सो गाइस, आज हम बात करेंगे लेटर राइटिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये क्या होता है, हमें कैसे लेटर राइटिंग लिखना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में जिससे कि आपको फुल मार्क्स अचीव कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम बैक माई चैनल स्टडी ट्रिक विद निशु। गाइस, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि वीडियो का न्यू अपडेट सबसे पहले अब तक पहुँचती रहे। सो फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि लेटर राइटिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया गाइस कि फरवरी में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है 2023 में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चंस भी हो रहे हैं कि ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन। तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं गाइस कि यहाँ पे किसी प्रकार की ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, आपको सेंटर में ही करना हो, जाकर एग्जाम देने होंगे। तो ये तो बात हो गई गाइस बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब बात करते हैं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपके लेटर राइटिंग आती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग आती है, लेटर राइटिंग आती है ना। तो लेटर राइटिंग जो है वो आपको कैसे लिखना है और कैसे आती है, ठीक है, आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखो गाइस, होता क्या है कि जो लेटर राइटिंग होती है इसमें आपको, सबसे पहले मैं बता दूं कि तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं जब आप क्लियरली एकदम राइट लिखते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे कि ये जो लेटर राइटिंग होता है, ये मैं आपको बता दूं कि 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, 10 मार्क्स में अगर आप सोचेंगे कि मैं कैसे भी उल्टा पुल्टा कुछ भी मतलब लिख कर चलाऊँ और उसमें मुझे 8-9 मिल जाए, तो कभी नहीं मिलती गाइस। मैं आपको बता रही हूँ ना, रियली बता रही हूँ कि लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स आपको कभी नहीं मिलती है। ठीक है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको फुल मार्क्स लेटर राइटिंग में मिलती है। तो क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, इनको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखो गाइस, आपका एक आता होगा, आपने देखा होगा कि स्टोरी राइटिंग आती है, तो स्टोरी आपको लिखना होता है। ठीक है, फिर पोएम राइटिंग आती है, पोएम के कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, उसके आंसर लिखने। स्टोरी राइटिंग में उस कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, आपको लिखने होते हैं। ठीक है, उप आती बात करते हैं लेटर राइटिंग में। तो देखो गाइस, लेटर राइटिंग में आपको फुल मार्क्स गेन करने के लिए एकदम बेस्ट लिखना होगा, एकदम एक्यूरेट, एकदम राइट लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आप अपने प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिखिए कि मुझे जो है वो स्कूल से टीसी के लिए चाहिए, टीसी चाहिए। आपने देखा होगा ना, जब आप स्कूल से निकलते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 12 बोर्ड एग्जामिनेशन दिया तो आप स्कूल से निकल रहे हैं, तो उसमें एक टीसी मिलती है। ठीक है, तो आपको वो जो है वो टीसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो आप अगर सोचेंगे कि मैं उसमें कुछ भी 2-3 सही लिखूँ और फिर 4-5 लाइन गलत लिख दूँ, ऐसे लेटर तो ज़्यादा लिखने नहीं होते, बट फिर भी आपको एकदम एक्यूरेट लिखने होते हैं। तो जब आप पूरा सही सही लिखोगे गाइस, एकदम ध्यान में रखकर, जैसे लेटर आप लिखती है, जैसे मान लीजिए आप बस क्या किए, उठे और पैराग्राफ जैसा लिख दिए, तो आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलेगी। तो लेटर को लेटर जैसा लिखना होगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, पैराग्राफ के जैसे लिख देते हैं डियर सर, उसके बाद लिखना शुरू कर देते, बस वो पैराग्राफ की तरह 7-8 लाइन लिख दिए, हो गया, तो उसमें कभी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लेटर में फुल मार्क्स तब भी मिलते हैं गाइस जब आप पूरी मतलब एकदम अच्छे से करेंटली एकदम राइट लिखते हैं, तो वो आपको फुल मार्क्स मिलती है। तो लेटर राइटिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का होता है गाइस। तो आप कोशिश करना कि बहुत अच्छा लिख सके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नंबर का होता है। ठीक है, 10 मार्क्स के होते हैं, तो इसमें आपको बहुत ही एक्यूरेट लिखना होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगी गाइस, मैं आपको गाइड करूंगी कि लेटर राइटिंग का आप ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ। आप 2-3 बार एटलीस्ट घर पर आप कॉपी में लिखो गाइस कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, और बिल्कुल पैराग्राफ की तरह तो बिल्कुल भी मत लिखना। मैंने लेटर राइटिंग कैसे लिखना है इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो इस तरह से आप अपनी लेटर राइटिंग जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में कर सकते हो गाइस। सो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।